अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो स्वागत है आपका ज़ारे की किचन में। तो दोस्तों, अगर आपको बनानी है रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी मिक्स दाल तड़का तो रेसिपी ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। आप लग जाएगा तो सबसे पहले हमें डालना है ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ मैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म पहले होने देना है हमें। तेल अच्छी तरह गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे तड़का। तो तड़के में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा सरसों, ज़्यादा नहीं। प्याज एक कट कर दूंगी, इसी में मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्ची एक, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करूंगी। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से भूंज लेना है, अदरक लहसुन प्याज को भूंजना है। इसी में हम ऐड कर देंगे टमाटर 2, धनिया पत्ती थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। मसाले ऐड कर देती हूँ, हल्दी का पाउडर डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच, मिर्ची का पाउडर डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच, उसके साथ साथ धनिया का पाउडर ऐड कर दूंगी 1/2 छोटा चम्मच, चिकन मसाला डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच, नमक ऐड कर दूंगी क्वांटिटी के हिसाब से। और नमक इसलिए भी डालते हैं ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इन सभी को हमें भूनना है अच्छी तरह से। टमाटर देखिए हाफ सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे दाल को। और अच्छी तरह से टमाटर के साथ मसालों के साथ भून लूंगी। बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा आपको। कभी भी मिक्स दाल अगर इस तरह से पका के खाना हो तो ज़रूर बनाएं। और इसीलिए दाल को मैं गला के तड़का नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये दाल को मैं मसालों में भूंजूंगी, दाल का कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर घर में बना के देखें, और आपको अगर मेरी बनाई ये दाल तड़का पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दाल को हमें भूंजना है इस तरह से, अच्छी तरह से कम 5 से 6 मिनट ज़रूर भूंजूंगी। 6 मिनट हमें भूंजना है अच्छी तरह से मसालों के साथ दाल को। दाल हमारा बिल्कुल भुंजा गया है, मसाले से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और चलिए तो फिर पानी डाल देती हूँ और दाल को हमें गला लेना है। आपके हिसाब से आप दाल गला लीजिए, कितना टाइम में दाल गलता है। और मैं तो जो मीडियम हीट पे मैं रख दूंगी 10 से 15 मिनट और हमारा जो दाल है सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको मिलाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब बिल्कुल पानी नहीं है, दाल से थोड़ा ऊपर ही रखिएगा वरना दाल जल सकता है। गलाने के लिए कभी भी दाल से ऊपर ही पानी रखा जाता है, बराबर में बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर ही मैं और थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, बस इतना पानी ही डाल दूंगी। अब चलिए ढक्कन को लगाती हूँ, दाल को सॉफ्ट होने देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा मिक्स दाल तड़का, देखिए माशाल्लाह। आप चाहे तो इस तरह गाढ़ा रख सकते हैं, अगर आपको रोटी में खाना है और चावल में खाना है तो इसको हमने करना है पतला। देखिए इस तरह से आप पतला कर दीजिए आपको अगर चावल में खाना है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, इस तरह से मामूली ऐसा तोड़ दीजिए रफली, और इस तरह से हमें डाल देना है। इसको एक बॉईल होने तक सिर्फ पकाना है, सिर्फ एक बॉईल। और नमक जरूर चेक कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पंजाबी मिक्स दाल तड़का रेडी है। तो चलिए दोस्तों इसको डिश आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरी बनाई हुई पंजाबी दाल तड़का बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे।
मिलते फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में ज़रूर याद रखें।